अभी पेंट नहीं हुआ हुआ था, मैं ये लेके जा रहा था इंजन रखवाने के लिए। लोग तो एक बार परेशान हो गए, यार ये क्या चीज आ गई है रावलपिंडी में। नहीं, मेरा वेल्डिंग का बिजनेस है। मैं वीडियोस जो है ना गेयर्स वगैरह की निकाल रहा था, तो मुझे पिक्चर नजर आई, मैंने फिर सोचा, मैंने कहा ये बाइक तैयार करूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। 10,000-5,000 करके मैं मतलब के इकट्ठे करता रहा हूँ। मैं तो खुद सोचता था, मेरा तो आइडिया यही था, तो मैंने कर लेना है, पर घर वाले मतलब रिश्तेदार ये सोचते थे ये नहीं होगा। तो ये मेरे अब्बू का, तो मैंने वो तोड़ फोड़ के बना दिया। सर ये कोई बनवाएगा तो इंशाल्लाह बना के देंगे। अपना 1-5 पेक ले गया ना आपने, वो मुझे देना, और दूसरा सब कुछ मैं करूँगा, 4 लाख रुपया लूँगा। मेरा ताल्लुक है सरगोधे से, और दूसरी बात ये मुझे यहाँ पे हो गए हैं 6-1 साल हो गए हैं रावलपिंडी में आया हुए। सर मेरा वेल्डिंग का बिजनेस है, मैं वेल्डर हूँ और यही छोटा मोटे काम करते रहते हैं। मैंने एक पिक्चर देखी थी, मैं वीडियोज जो है ना गेयर्स वगैरह की निकाल रहा था, तो मुझे पिक्चर नज़र आई, मैंने फिर सोचा, मैंने कहा यह बाइक तैयार करूँ, बाइक तैयार करूँगा तो कुछ बनेगा, तो इसलिए मैंने ये बाइक तैयार कर दिया। सर इसमें पहले था 70 का इंजन जहाँ से मैंने तैयार किया है, ठीक है, और मतलब कि इंजन रखा, दूसरा सारा ऑल टू जेड मॉडिफिकेशन मैंने खुद किया है, टायर रिम मुकम्मल मतलब कि इसकी बॉडी वगैरह खुद बनाई गई है। तो अभी इसका जो है ना थोड़ा बहुत तंग करता था 70 पे, तो मैंने इसका अंदर 1-5 का इंजन रख दिया। एक तो मैं आपको पहले एक चीज़ बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, 10,000-5,000 करके मैं मतलब के इकट्ठे करता रहा हूँ, तो धीरे धीरे इस पर लगाता क्यों मतलब कि आगे वाला रिम जो लिया है उसके अंदर मैंने प्लेट इसके अंदर लगाई है लोहे की, और पीछे वाला गाड़ी का रिम था उसके अंदर भी प्लेट मैंने लगाई है, ठीक है, मतलब कि जो इसकी हर चीज़ है मैंने थोड़ा बहुत इसमें खराद का भी काम हुआ हुआ है, और दूसरा काम मैंने खुद किया हुआ है। मैं तो खुद सोचता था, मेरा तो आइडिया यही था, तो मैंने कर लेना है, पर घर वाले मतलब रिश्तेदार ये सोचते थे ये नहीं होगा, पर एक दिन उन्होंने भी देखा कि यार इसने तो कर दिया, और इस पर टाइम सर लग गया, धीरे धीरे करके मतलब कि 1 मंथ लग गया। सर एक इंजन छोड़ के मतलब के आगे वाले शॉक हो गए, मोडी गार्ड हो गए, मतलब जो भी इस पे ऊपर चीज़ लगी हुई है ना, जो भी चीज़ लगी हुई है वो मैंने खुद तैयार की हुई है। और ये मेट्रो है 1-5 चाइना है, 16 मॉडल है, ठीक है, तो ये मेरे अब्बू का, तो मैंने वो तोड़ फोड़ के बना दिया। सर जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना, यकीन मानिए मतलब कि रोड पर ऊपर खड़ा होता था, बहुत लोग आते थे, यार वीडियोज़ बनानी है, ये करना है, वो करना है। मैंने कहा भाई एक बार तैयार करने दो, इंशाल्लाह वीडियोस भी बनाएंगे। उस टाइम ही मतलब के अल्लाह का शुक्र है फेम मिलनी स्टार्ट हो गई थी। तो जब मैंने ये तैयार किया, मतलब कि अभी पेंट नहीं हुआ हुआ था, मैं ये लेके जा रहा था इंजन रखवाने के लिए, सेटिंग तो मैंने कर ली थी, काबले वगैरह स्टार्ट करवाने के लिए लेके जा रहा था। लोग तो एक बार परेशान हो गए, यार ये क्या चीज़ आ गई है रावलपिंडी में। नहीं सर मैंने कोई मूवी नहीं देखी, कोई कुछ नहीं किया, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि जो आजकल लोग कैफे रेसर तैयार कर रहे हैं 70, एक दिन मैं वो तैयार कर रहा था, तो खैर मैंने कर तो ली थी एक बार, फिर भाई ने कहा यार ये काम नहीं है, मतलब पुलिस वाले पकड़ लेंगे, फ़ायदा नहीं है, बाइक भी जाएगा, कुछ नया करो, इसलिए फिर मैंने नया कर दिया कुछ। सर ये कोई बनवाएगा तो इंशाल्लाह बना के देंगे। और दूसरी बात लोगों की रही, जब भी निकलता हूँ, अभी आया हूँ रास्ते में, यकीन मान जाओ कि लोगों का रिएक्शन देखने वाला होता है, बहुत खुशी होती है जब ये लोग लाइक्स देते हैं ना, आंटियाँ सब मतलब कि सब कुछ लाइक देखते हैं। सर सोशल मीडिया पर मैंने एक टिकटॉक आईडी बनाई थी भूत बाइक 7 के नाम से, मतलब कि वो चली गई थी, मिलियन तक चली गई थी, वो बैन हो गई, उन्होंने बैन कर दी। फिर उसके बाद मैंने नई आईडी बनाई है ये टिकटॉक भूत बाइक 8 के नाम से, फिर आसिफ भूत बाइक के नाम से मेरा चैनल भी है यूट्यूब, उस पर भी वीडियोस डालता हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मैं तो आपको पहले ये बताऊंगा, क्योंकि इस पर मेरा अपना खर्चा मतलब के ऑल टू जेड मजदूरी छोड़ के ना 5 लाख रुपया आया हुआ है, क्योंकि पहली बार चीज़ बनाई है उस पर तो पैसे ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। एक एक पुर्जा लेना, जब वो कहते हैं ना, ये कमेंट करते हैं ना गलत गलत, यार ये क्या चीज़ बना दिया, ये ट्रेडा बना दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, कुछ अच्छे भी आते हैं, 100 में से मतलब 50% अच्छे आते हैं, 50% गलत करते हैं लोग कमेंट,
ये उनके लिए है कि क्योंकि भाई जब बनाना स्टार्ट करोगे ना आपको तब पता चलेगा, एक एक चीज़ लेके आएंगे ना तब आपको पता चलेगा कितनी महंगी है। तो क्यों जो बनवाना चाहेगा उसको बना के दूंगा अपने भाइयों को 4 लाख रुपए का, अपना 125 एक लेके आना आपने, ठीक है, वो मुझे देना है और दूसरा सब कुछ मैं करूँगा, 4 लाख रुपया लूँगा।